हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करता है, मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। नमस्कार, इस टीचर सर में आपका स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि जिस तरह से मार्केट में रेडीमेड प्लाजो मिलता है उसका कटिंग हम कैसे करते हैं, उसका कटिंग किस तरह से हुआ रहता है रेडीमेड प्लाजो का, तो उसका कटिंग आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्लाजो का कटिंग। आइए आज हम एक प्लाजो का कटिंग करेंगे। ये ऐसा प्लाजो है जैसा आपको रेडीमेड मार्केट में मिलता है। ये बाकी प्लाजो से थोड़ा अलग कटिंग होता है इसका। तो आइए इसका कटिंग करने से पहले हम नाप जान लेते हैं। जो हमें लेंथ तैयार रखना है वो है 39 इंच, कमर का टोटल राउंड है 36 इंच, हिप का पूरा राउंड जो है 44 इंच है। इस साइज में जो हम आसन का लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 13 इंच। इस नाप के अकॉर्डिंग हम चलिए प्लाजो का कटिंग करते हैं। ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। कपड़े को मैंने पन्हे में डबल कर लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके हमने प्रेस कर लिया है कपड़े को। कभी भी, हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी कटिंग करने से पहले आप कपड़े को प्रेस कर लें, उससे आपके कटिंग और स्टिचिंग दोनों में ही फिनिशिंग आता है। सबसे पहले हम नीचे से, यानी जहां हम बॉटम रखने वाले हैं वहां से कपड़े को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा यहाँ पे हमारा तिरछा जा रहा है, ये देखिए नीचे का कपड़ा छोटा है और ऊपर का बड़ा है। स्केल की सहायता से हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं और इसको कट करके हम निकाल देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच नीचे से छोड़ देंगे। ये 1/2 इंच इसलिए कि मैं, वैसे तो अगर सिंगल फोल्ड करना है ये प्लाजो के ही कपड़े का, तो आपको 2 से 2.5 इंच मोरी फोल्ड करने के लिए चाहिए जो हम अंदर फोल्ड करते हैं। यहाँ मुझे अलग से कुर्ती के कपड़े का पट्टी लगाना है प्लाजो में, इसलिए मैं ये 1/2 इंच ही रख रही हूँ। जब मैं पट्टी ज्वाइंट करूँगी तो मुझे 1/2 इंच का ही मार्जिन चाहिए, मुझे ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं चाहिए। तो सब जगह से अपने पूरे कपड़े के जो चौड़ाई में 1/2 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। यहां से हम अपने प्लाजो का लेंथ लेंगे। तो हमारे प्लाजो का जो टोटल लेंथ है वो है 39 इंच। तो 39 इंच हम यहां से ले लेते हैं और मार्क कर लेते हैं। इसमें मुझे 1/4 इंच का बेल्ट लगाना है क्योंकि मेरा जो इलास्टिक का चौड़ाई है वो 1.25 है, तो उतना हम अपने टोटल लंबाई में से माइनस कर देंगे, यानी 1/4 इंच 1.25 माइनस कर देंगे और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। नाप लीजिए हमारे नीचे तक कितना आ रहा है।
बराबर से निशान लगा के हम इस मार्किंग को सीधा कर लेते हैं। अब हम अपने आसन का लेंथ लगाएंगे। तो आसन का जो लेंथ आता है वो मैं कुछ इस प्रकार से लगाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरा हिप का जो राउंड है टोटल वो है 44 इंच। उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। तो जब 44 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 11 इंच। उसमें मैं 2 इंच और प्लस कर लूंगी, तो 11 और 2 जो हो जाएगा वो है 13 इंच। तो हमारा जो प्लाजो का आसन का लेंथ आएगा वो 13 इंच पे आएगा। उसमें हमें 1.25 जो हमारा बेल्ट का है वो मुझे इसमें माइनस करना होगा। उसके बाद हमारा 1.25 इंच बाहर निकालते हुए, यानी 1.25 बाहर निकालते हुए जहाँ तक हमारा 13 इंच आता है उस पे हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, फोल्ड भाग जो है मेरे सामने है और मेरे अपोजिट में ये ओपन हिस्सा है। ऊपर जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो हमारे कपड़े का उल्टा सी भाग है, और अंदर जो कपड़ा है वो जो भाग हमने अंदर रखा है वो सीधा भाग है कपड़े का। अब हम इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं जो हमारा आसन का लेंथ आया है। जहां हमारे आसन का लेंथ आया है हम अपने हिप का चौथा भाग यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हमारा हिप है 44 इंच, तो उसका 4 भाग हो जाएगा 11 इंच। अब आते हैं हम कमर के पास। तो हमारा कमर है इस साइज में 36 इंच, तो 36 को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। इसमें हम 1.5 इंच प्लेट के लिए प्लस करेंगे और 1 इंच जो हम सिलाई मार्जिन रखेंगे उसका प्लस कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ 1.5 इंच भी आप सिलाई मार्जिन ले सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस होगा। जहां पे हमने हिप का चौथा भाग लिया, हिप 44 है उसका चौथा भाग हमने 11 इंच लिया। यहाँ से जैसे हमने कमर के पास 1.5 इंच प्लस किया है अपने प्लेट का, उसका हम प्लस कर लेंगे 1.5 इंच प्लेट का, और इस तरीके से हम मार्किंग कर लेते हैं जहाँ हमने अपने कमर के पास प्लेट का और मार्जिन का प्लस किया है। उस लाइन से इस लाइन को हम मिला देंगे। यहां से हमें 2.5 इंच अपने आसन का कर्व देने के लिए प्लस करना है। अब हम अपने आसन का इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको कितना कैसे गोलाई देना है, तो आप यहाँ से जहाँ ये हमारा कॉर्नर बना है यहाँ से आप 1.25 से 1.5 इंच इस तरीके से ले लें और कर्व दे दें। जैसा कि मैंने बताया, जैसा मार्केट में प्लाजो मिलता है ये उस तरीके का कटिंग है। पहले हम फ्रंट कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक का कटिंग करेंगे।
तो जो भी ये फोल्ड भाग है हमारा कपड़े का, उधर से हमें बिल्कुल सीधा कट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम ये नाप लेंगे कि कितना है। ये जितना भी आता है उसका हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से, अपने मेजर टेप को फोल्ड कर लेंगे। अगर आप हिसाब लगा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके से जहां तक हमने अपने आसन के कर्व का प्लस किया है 2.5 इंच, वहां से और किनारे तक आप नाप लेंगे। जितना भी आता है आप टेप को फोल्ड कीजिए, उसका सेंटर आ जाएगा और उसका सेंटर करके इस तरीके से मार्किंग कर लीजिए। अब आप यहां से यहां नाप लीजिए कि कितना आ रहा है। जितना आ रहा है फोल्ड भाग से उतना आप अपने मोहरी तक मार्किंग कर लीजिए, जितना भी आता है, और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस साइज में हमारे मोहरी का जो राउंड होगा वो होगा 14 इंच। यानी एक साइड का जो हमारा घेर आएगा वो 14 इंच का आएगा, यानी टोटल जो राउंड होगा वो 28 इंच होगा। तो जो हमने ये सेंटर का मार्किंग किया है वहां से 7 इंच हम इधर ले लेंगे और 7 इंच इधर ले लेंगे इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड। हमारा जो जुड़ा हुआ भाग है वहां से हम अपने सीधे टेप स्केल को, सीधे स्केल को रखेंगे और इस तरह से जहां तक हमारा ये मार्किंग आया है वहां लाके मिला देंगे। यहां से हमें कर्व स्केल की सहायता से कोई कर्व यहां पर नहीं देना है, बिल्कुल इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेना है। अब हम अपने कर्व स्केल को लेंगे, जो हमारे आसन का भाग है वहां पे हम इस तरीके से कर्व देंगे। जो मार्केट में प्लाजो मिलता है बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग हुआ रहता है, एक साइड बिल्कुल सीधा रहता है जहां हमारा ये फोल्ड भाग है, और आसन के साइड जो है वो इस तरीके से शेप में रहता है, यानी कर्व में रहता है। अब ये मार्किंग हो चुका है, अब हम बिल्कुल मार्किंग पे ही अपने प्लाजो के फ्रंट का कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक का कटिंग करेंगे। फ्रंट का कटिंग कर लिया है, अब हम बैक का कटिंग करेंगे। बैक का कटिंग करना बहुत आसान है, जैसा मैंने पहले कपड़े को बिछाया था, फोल्ड भाग अपने तरफ अपने सामने और ओपन भाग अपने अपोजिट में, सेम वैसे ही मैंने बैक को भी बिछा लिया है।
और इसी के ऊपर अपने फ्रंट को रख देंगे। बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट को अपने बैक के ऊपर बिल्कुल बराबर से बिछा लिया है। कहीं से भी बिल्कुल छोटा बड़ा हमारा कपड़ा नहीं होना चाहिए। बैक में सिर्फ आसन के साइड हमें जो भी बदलाव करना होगा करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आसन का भाग है वहाँ पे हम 2.5 इंच अपने बैक के हिस्से को एक्स्ट्रा काटेंगे सिर्फ आसन के साइड से। और जहाँ तक ये हमारा फ्रंट का कटिंग है उसको हम स्केल की सहायता से इस लाइन को सीधा कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम 2.5 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा जो हमें आसन के साइड कट करना है। इसके बाद जैसा मैंने फ्रंट में आसन का कर्व देने के लिए 2.5 इंच लिया था वैसे ही हम यहाँ अपने फ्रंट से बाहर 2.5 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। ये हमारे बैक के आसन का कर्व होगा। यहाँ से भी हम 1.25 इंच का कॉर्नर से मार्किंग कर लेंगे और बैक के आसन का गोलाई दे देंगे हम यहाँ पर। अब हम सब जगह से अपने कमर से लेके और बॉटम लाइन तक जहाँ तक हमारा मोहरी आ रहा है 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसका कटिंग कर लेंगे। सब जगह से हमें 1.5 इंच ले लेना है। अब बिल्कुल जैसा है हमें वैसे ही कटिंग कर देना है। उसके पहले जहां हमारे फ्रंट का ये कमर आया है और जहां हमने 2.5 इंच उठा के काटना है वहां से इस तरीके से अपने आसन के साइड से इस तरीके से तिरछा रखेंगे और जहां हमारा फ्रंट आ रहा है वहां पे लाके मिला देंगे। बैक हम इसलिए हमेशा 2 से 2.5 इंच या 3 इंच उठा के जैसे हिप होता है उसके हिसाब से हम बैक अपना एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। उसका कारण यही है कि अगर हम फ्रंट और बैक का आसन एक बराबर ही काट देंगे तो जब हम सिलाई करेंगे पैंट या प्लाजो का तो ये पीछे से नीचे की तरफ खिसक जाता है। अगर अपने प्लाजो या पैंट का सही फिटिंग चाहिए तो आपको भी इसी तरीके से कटिंग करना होगा। चलिए मार्किंग पूरा हो चुका है अब हम अपने मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। एक ऐसे प्लाजो का जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है वो इसी तरीके से कटिंग किया हुआ रहता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये कटिंग पसंद आया होगा और समझ आया होगा। बहुत जल्द इसके स्टिचिंग का वीडियो अपलोड होगा उसे भी आप देखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल से कुछ सीखा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इसे शेयर करें, कमेंट करें यानी अपनी राय दें। हमारे वीडियो की हर नई जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।